एज प्रदीप कैसी लगी? ओके ओके It was kind of disappointing क्योंकि प्रतीक बब्बर से हमें बहुत expectations हैं, you know the kind of roles he does, you know he is स्मिता पाटिल son, so बहुत expectations थी, तो उस तरह से you know नजर नहीं आया. और मनीष तिवारी इतने अच्छे director हैं, तो उनसे you know तो इनका intense role है प्रतीक बब्बर का, but somewhere it's a weak script, तो because of that it loses track. प्रमोशन जैसे हुआ था कि इट्स अ रोमियो जूलियट की मूवी, समवे इट यू नो इट डिड नॉट लीव एन इम्पैक्ट. रोमियो जूलियट की मूवी लव स्टोरी कहीं खो गई, पॉलिटिक्स, कास्टिज्म, करप्शन, वो सब कुछ दिखाया, तो जो उसका मेन कोर था लव स्टोरी वो नहीं नजर आया. After this, I would love to see Love You, Sonia and Nisha. Thank you. Hi, last one. Sir, how's the movie? Very good. What's the cast? Ravi Kishan. If you talk about the overall cast, how do you think the cast? Overall, very good. How many stars are there? 4. It was fine, not that good. What's the best? The mother, I forgot the name. How about the overall cast? It's fine, not that good. It's normal. 2. ठीक है, अच्छी है, ज्यादा खास नहीं. नहीं, कुछ नहीं बजा पाएगी वो. अच्छा, और जो पलटन थी तुषार कपूर की और इन लोगों ने कमाल किया, आपको अच्छा लगा उनकी कॉमेडी? हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है. कितने स्टार देना चाहेंगे? 2 स्टार. सबसे पहली फिल्म कैसी लगी? सोचो. और कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 2. और क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें हम पहले देख चुके हैं, ऐसा लगता है ये मूवी देखी हुई है पहले. थैंक यू सर. थैंक यू.